कल ग्रहण है, 28 अक्टूबर 2023। अश्विन का महीना शुक्ल पक्ष पूर्णमास है, विक्रमी संवत 2080। चंद्र ग्रहण है और कल शरद पूर्णिमा भी है। बहुत से प्रश्न आए तो उनका मैं आपको हल दूंगा। कल ग्रहण का समय जो ग्रहण स्पर्श होगा वो रात्रि 1:05 पर होगा। यानी 28 और 29 अक्टूबर की मध्यगत रात्रि को रात को 1:05 पर ग्रहण स्पर्श होगा और 1:05 से 2:24 तक रात को ग्रहण चलेगा। भारतवर्ष में प्रत्येक स्थान पर यह दृष्टिगोचर होगा। इसमें शरद पूर्णिमा के दिन मैं सदा से बताता रहा हूं, एक दवाई भी बनती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने में बहुत सी औषधीय गुणों को समाई रखता है। इतनी औषधीय वनस्पतीय गुण होते हैं इसमें, अगर सही से देखो तो सभी वनस्पतियां शरद पूर्णिमा के इस चंद्रमा से करीब करीब वर्ष भर में जितनी उसे आवश्यकता होती है वह इस रात्रि को रस सींच लेता है। इस रात्रि का इतना महत्व है। जितनी भी वनस्पति होती हैं हिमालय में या अन्य अन्य स्थानों में, तो शरद पूर्णिमा का ये चंद्रमा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और बहुत शुरू से हमारे मनुष्यों ने इस रहस्य को जान लिया था। तो आज की रात, ये पूर्णमासी की रात, औषधीय गुणों से संपूर्ण चंद्रमा को लेकर आती है। तो क्योंकि ग्रहण भी है तो कैसे करें? ग्रहण में तो सभी वस्तुओं को डांप दिया जाता है, मंदिर के द्वार तक हम बंद कर देते हैं। इसका उपाय मैं आपको बताता हूं। ग्रहण शुरू होगा, स्पर्श होगा 1:05 रात्रि, और सारे तमाम भारतवर्ष में 6 बजे तक सायं तक चंद्रमा उदय हो जाएगा। तो आपने खीर को बनाकर सायं 6 बजे, क्योंकि करीब करीब इसी वक्त के आसपास सूरज अस्त हो जाएगा कल के दिन, 6 बजे के आसपास सभी जगहों पे सूरज अस्त हो जाएगा और चंद्रमा निकल जाएगा। इस चंद्रमा की रोशनी तले
6 बजे आप उस खीर को रख दें कहीं ऊंचे स्थान पर रख दें ताकि बिल्ली वगैरह उसको खराब ना कर दें। उसके ऊपर छोटी सी जाली आती है, वो जाली से ढक दें ताकि कोई जीव जंतु न गिरे। और ऊंचे स्थान पर कोई गुंबदी वगैरह वहां पर रखते हैं, लेकिन 1:05 से ग्रहण स्पर्श होगा, यानी कि चंद्रमा को सूर्य 1:05 पे स्पर्श करेगा, उसे ग्रहण स्पर्श कहते हैं। 1 बजे तक उस खीर को वहां रखने और 1 बजे आप उसको वहां से हटा लें। वैसे करीब 7 घंटे का वक्त मिल जाएगा। 6 बजे रखोगे, 1 बजे तक 7 घंटे हो जाएंगे। 7 घंटे में इतना औषधीय प्रभाव इस पर पड़ जाएगा कि जो पर्याप्त होगा। लेकिन कुछ लोग पूरी शरद पूर्णिमा की रात का लाभ उठाना चाहते हैं, फिर वो ऐसा करें कि 1 बजे उस खीर के पात्र को नीचे ले जाएं, कमरे में ढककर रख दें, और फिर 2:30 बजे जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर वहां पर रख दें, और फिर सुबह उसको उठा लें। यह है विधि। अगर पूर्ण चंद्रमा की जितनी भी किरणें यहां पर मौजूद हुई चंद्र ग्रहण के दौरान, जो कि दूषित नहीं है, विषाक्त नहीं है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप 1 बजे सो जाना चाहते हैं, अन्य अन्य कर्तव्य भी होते हैं, किसी ने कोई दफ्तर जाना होता है, दुकान खोलनी होती, तो फिर वो 1 बजे उस खीर को हटा ले और फ्रिज वगैरह में रख दे। अगर पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो फिर 2:30 बजे के करीब इसको फिर रख दें और सुबह उठा लें। उस खीर का सेवन करने से नजला, जुकाम, खांसी, फेफड़ों से संबंधित रोग, श्वास से संबंधित रोग, मानसिक डेफिशिएंसीज, इन सभी रोगों में आपको लाभ मिलेगा। जिनके फेफड़े कमजोर हैं, हृदय को भी लाभ पहुंचता है। ध्यान में रखना, मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचता है, हृदय को भी लाभ पहुंचता है, हमारे फेफड़ों को भी लाभ पहुंचता है, हमारी समस्त पाचन प्रणाली को भी लाभ पहुंचता है। ऐसा औषधीय गुणों से भरपूर होता है इस रात्रि का चंद्रमा। तो वक्त मैंने बता दिया, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, करीब 1.5 घंटा है। 1:05 पर शुरू होगा, 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान आमतौर से रात होगी, लोग सोए पड़े होंगे, लेकिन फिर भी गर्भवती स्त्रियां इस वक्त के दौरान
6 बजे के बाद घर के भीतर ही रहे। रोगी, छोटे बच्चे, निर्बल, वृद्ध, और गर्भवती स्त्रियां। इस दौरान दवाई वगैरह ले सकते हैं, उसे किसी प्रकार की उसमें विकृति नहीं आती। गर्भवती स्त्रियां 6 बजे के बाद घर में ही रहें और आराम करें। रात्रि को विशेषतः कमरे से बाहर न जाएं। बच्चे, बूढ़े, रोगी, वृद्ध और गर्भवती स्त्री, ये घर के अंदर ही रहें। ये चेतावनी। कुछ खाएं नहीं, लेकिन देखिए दवाई वगैरह ले सकते हैं। जो कुछ खाना पीना है 6 बजे से पहले खा लें, क्योंकि करीब 6 बजे के आसपास इसका सूतक शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ खाना पीना है आप 6 बजे से पहले पहले खा लें, वैसे सूतक इसका 4:05 पे शुरू हो जाएगा। लेकिन 6 बजे तक गर्भवती स्त्रियां, बच्चे, रोगी, वृद्ध ये खा सकते हैं। दवाई बूटी आप किसी वक्त भी ले सकते हैं। विशेष सावधानी रखने के लिए तो बस यही बात है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण में आम तौर से व्यक्ति, देर रात्रि का चंद्रमा ग्रहण, उसमें व्यक्ति सोया ही होता है, इसलिए ऐसी कोई भय की बात नहीं है, लेकिन घर से बाहर ना निकले। और जो खीर के संबंध में मैंने आपको बताया, वो आप शाम को 6 बजे रख दें बना के, और सुबह यानी 1 बजे रात्रि को आप उसे उठा लें, फिर उसे फिर 2:30 बजे रख दें और सुबह फिर उसे उठाकर खा सकते हैं। पूरे वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में क्यों बोल रहा हूं, पहले मैंने अपने प्रवचन में बोला कि सारी औषधियां पूर्ण वर्ष के लिए, जो भी उन्हें औषधीय गुणों की आवश्यकता होती है, वह आज की रात, शरद पूर्णिमा की रात, इस चंद्रमा से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आज की रात का इतना महत्व है। नजला, जुखाम, खांसी, सिरदर्द, माइग्रेन वगैरह, गले की खराबी, नमोनिया वगैरह, फेफड़ों की कमजोरी, डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना, गुर्दों की समस्या, जिगर की समस्या, मानसिक कमजोरी, नक्सीर इत्यादि का आना, इन सभी रोगों में यह खीर अवश्य ले लें। इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसको आप प्रत्येक व्यक्ति को खिला सकते हैं। वर्ष भर तक ये दवा आपके शरीर में काम करेगा।
यह ग्रहण विदेशों में भी दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इत्यादि में यह ग्रहण दिखेगा। हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी यह दिखाई पड़ेगा। अब ग्रहण में कुछ कष्टों के निवारण हेतु टोटके या आप मेरी पुरानी वीडियो उसमें देख सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप जगना चाहते हैं तो गर्भवती स्त्रियां पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करें, या अपने इष्ट का जाप भी कर सकते हैं। रोगी महामृत्युंजय का जाप करें, घर में अगर कोई न कोई रोगी रहता है तो महामृत्युंजय का जाप करें। अगर महामृत्युंजय जाप आपको आता नहीं तो हमारा एक चैनल सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें इसे गाया गया है, आप उसको सुन लें। जितनी देर भी सुनना चाहते हैं उतनी देर इसको सुन लें। सर्व व्याधि निवारण के लिए एक उपाय मैं आपको आज और बताता हूं। यद्यपि सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण में करने योग्य जो टोटके हैं वो आप पुरानी वीडियो में से सुन सकते हैं, लेकिन एक नया उपाय मैं आपको और बता देता हूं। अगर तो आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, धन अभाव है, कर्ज सिर के ऊपर सदा ही रहता है, तो एक गणेश मंत्र आता है, ऋण हर्ता गणेश मंत्र, ओम गणेश ऋणम छिंधि व्रेण्यम होम नमः फट। यह वैसे तांत्रिक मंत्र है, ओम गणेश ऋणम छिंधि व्रेण्यम होम नमः फट, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अब टोटका, एक किलो राजमा ले लें, एक किलो राजमा, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम किशमिश, इन चीजों को मिला लें तीनों को। फिर सुनिए, एक किलो राजमा जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, 10 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम किशमिश, यानी 10-10 गुना करते रहें। काली मिर्च 10 ग्राम, इसका 10 गुना, किशमिश 100 ग्राम, इसका 10 गुना, 1000 ग्राम राजमा।
ये तीनों चीजों को पानी में भिगो लें। और सुबह उठकर इसको चारे में दाने में मिलाकर गऊओं को डालते हैं, जो हम अक्सर उपाय करवाते हैं। थोड़ा सा गेहूं का दलिया, 2 किलो दलिया ले लें, उसमें ये सारा सामान डाल लें, राजमा, काली मिर्च और किशमिश, इन सब को मिलाकर थोड़ा सा हरा चारा डाल लें और गऊओं को डाल दें। सर्व व्याधि को निवारण हेतु ये अद्भुत आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला टोटका है। कोई अचानक संकट आ गया हो, अचानक कष्ट आ गया हो, और ध्यान रखना यह सिर्फ जो भिगोना है वह चंद्र ग्रहण के दौरान ही भिगोना है, यानी शाम 6 बजे आप इसकी सारी मात्रा 1 किलो राजमा, 10 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम किशमिश, इनको पानी के भीतर किसी डोलू में या पात्र के भीतर डुबो दें, और डुबोने से पहले प्रार्थना करें कि हमारा घर सब प्रकार की व्याधियों से, रोगों से, संकटों से, कलेशों से मुक्त हो जाए। पूर्ण परिवार के लिए सुख और सन्मति और संपत्ति, ये तीनों चीजों को देने वाला यह अद्भुत उपाय है, इसे अवश्य करें। भिगोने से पहले ये बात का मन में संकल्प कर लें कि हमारे घर में हमारा समूचा परिवार सब प्रकार के रोग, शोक, व्याधि, पीड़ा, संकट सभी से मुक्त रहे, खुशहाली बनी रहे, सभी को सन्मति मिले, सभी को संपत्ति मिले। ऐसा संकल्प करके आपने ये तीनों चीजें पानी के भरे उस पात्र में छोड़ देने। रात भर वो भीगता रहेगा, मुलायम हो जाएगा और गायें उसको आसानी से खा सकेंगे। फिर उसको सुबह उठकर थोड़ा सा दलिया उसमें मिलाकर चारा मिला लें, थोड़ी सी आप तूड़ी मिला लें, गाय को खिलाते हैं। नंदीगण को भी खिला सकते हैं। अगर गाय उपलब्ध ना हो, नंदीगण को भी हम खिला सकते हैं, लेकिन ये खिलाना है सुबह। सुबह इसको पानी में से निकाल लें और जहां कहीं भी गौशाला वगैरह में ये सभी आप गायों को खिलाते हैं। यह अद्भुत परिणाम देने वाला आश्चर्यजनक टोटका है, अनुभूत है, हमने आजमाया है, रिजल्ट इसका 100% आता है, इसे अवश्य करना है। छोटा सा टोटका है, और आपके सौभाग्य की बात है कि ये चंद्र ग्रहण ऐसे दिन में आ रहा है जो कभी कभी इस दिन में चंद्र ग्रहण आता है, शरद पूर्णिमा। अक्सर चंद्र ग्रहण होते तो पूर्णिमा में है,
लेकिन शरद पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण कभी कभी आता है और यह उपाय सिर्फ शरद पूर्णिमा में करने वाला है। इसलिए इस उपाय को प्रत्येक घर गृहस्थी व्यक्ति जो इन चीजों में विश्वास रखता हो अवश्य करें। सफलता हेतु किसी कंपटीशन में बार बार आप फेल हो जाते हो, कुछ चीजें हाथ में आती आती कुछ फल कुछ लाभ खिसक जाते हैं, आपके पल्ले नहीं पड़ते, असफल हो जाते हो आप, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करें। बाकी मैंने सारा बता दिया है। सारे भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखेगा 1:05 से लेकर 2:24 तक। खीर आप रख सकते हैं लेकिन 1 से पहले उसे उठा लेना। कुछ लोग आपको कहेंगे कि इसको सारी रात ग्रहण काल में भी पड़े रहने देना, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि उस वक्त ग्रहण के दौरान सारा वातावरण अति दूषित अवस्था में होता है, तो ऐसी गलती मत करना। 1 उठा लेना। अगर आप फिर भी चाहते हो थोड़ा सा और इस चंद्रमा की औषधीय गुणों का फल लेना तो फिर आप 2:30 के बाद इसे पुनः रख सकते हैं। सुबह से उठाकर फ्रिज में रख लें या ढककर कहीं भी रख लें और फिर इसे आप खा सकते हैं। वर्ष भर के लिए ये एक अद्भुत दवाई है। हमने लाखों व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रयोग किया है। इसे चूंकि नहीं, वैसे तो सभी मंदिरों वगैरह में ये बनेगी, आदिकाल से बनती रही हैं, बहुत देर से हमारे मनुष्यों ने यह खोज की थी। तो चंद्र ग्रहण के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।